कि जिनको सुनने के लिए पहले लोग 20-20 कोस पैदल चले जाया करते थे पंडित लक्ष्मीचंद का सांग देखने के लिए, ये उन रागनियों में से स्पेशल है। और इस रागनी की फिर मिसाल दिया करते थे रोजमर्रा की जिंदगी में कि पंडित लक्ष्मीचंद ने न्यू कही है, तो ये उन रागनियों में से चुनिंदा रागनियों में से है। तो तुझे घमंड ज्यादा होगा परदेसी? हाँ, मैं यहाँ तेरे जनाने बाग में आया हूँ। हाँ? तो कुछ सोच समझ के ही आया हूँ। इस जनाने बाग में केवल महिलाएं औरतें आती है? हाँ। आप तो मर्द है, लेकिन तुम्हारी शर्त है ना? हाँ। कि मैं उसके साथ में ब्याह करूंगी और उसको मुंह दिखाऊंगी जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। पैदा ही नहीं हुआ कोई है? कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं इसीलिए आया हूँ। और हाँ, तेरी वो भी शर्त सुन रखी है कि अगर उत्तर नहीं दिए गए तो जेल में जाना होगा, ये भी शर्त तेरी मैं सुन रखी है। मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ और उत्तर देने के लिए भी तैयार हूँ, अपने सवाल कर दे तू। आगा देख के चाल बटे उकदे ठोकर लागे पा भिड़के। हाँ। और इस पद्मावत ने लाखा बटे गेर दिए गड़के। अच्छा, फांसी टूटेगा? अच्छा, फांसी टूटेगा अगर जवाब नहीं दिया। और अगर ऐसा हो जा फांसी ना टूटू तो जब ब्याह के ही ले जाऊं? मने ब्याह के ले जाएगा? हाँ, पक्की बात है। हट परे बे सहूर, तेरी निगाह है करूर। हाँ। मारे गए वे जरूर जो गरूर करके, तुझे गरूर है अपने घमंड पे। अरे पीट फेर के भाज गए, अरे मानस आए जो बोलिए रे मुसाफिरी मेरे तन में सिड़क हो, बोलिए रे मुसाफिरी ओए होए 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 तन में सिड़क हो। अरे बोलिए मुसाफिर। बोलूंगा तो जब ही जब सवाल आएंगे। सवाल, मैं सवाल करने से पहले तेरे को फेल करती हूँ। अच्छा। हाँ। किस कारण? मुझे लगता नहीं कि तेरे अंदर इतनी बुद्धि होगी, क्योंकि मेरे सवाल हाँ कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे। किताबों में बेशक ना मिले, पर अभी मैं कहा था हाँ कि मारे गए वे जरूर जो गरूर करके, तुझे घमंड है। लगता है तेरे को भी घमंड है परदेसी। तेरा घमंड मैं चकनाचूर करूंगा और मैं तेरे ज्ञान को चकनाचूर कर दूंगी। आजा मैदान में। एक देवता ऐसा है हाँ जो अग्नि के बीच तपता है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ सुनेगा? हाँ सुनूंगा। कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नहावण आड़ी, कौन रात को सबके घर आवे, हुया सवेरा जावण आड़ी। एक देवता सब रस उगले, एक दूसरी खावण आली। एक देवता सब रस उगले, एक दूसरी खावण आली। तीन सवाल करे हैं कि कौन देवता तपेरो जाना, किसने आदत नहाने वाली, कौन शाम को सबके घर आवे, और किसने दिन लिकड़े चाली जाए सवेरा जाने वाली। हाँ। और एक देवता ऐसा है रस उगलता है, एक दूसरी है स्त्रीलिंग है हाँ वह खावे है उस रस को, कौन है तो सुन ले बात। अरे कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली। कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली। हाँ सूर्य देवता तपे रोजाना, सूर्य देवता तपे रोजाना, ब्रह्मा ने आदत नहाने आली। रात सांझ ने सब घर आवे, रात सांझ ने
के घर आवे हुया सबेरा जावण आली। इंद्र देवता सब रस उगले धरती माता खावण आली। इंद्र देवता सब रस उगले धरती माता खावण आली। अरे कौन पखेरू कौन पखेरू बिना पंख का कौन सबिन काल बता दे। कौन सरोवर बिना नीर का कौन पेड़ बिन डाल बता दे। उसकी गलियां ब्याह कर लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे। उसकी गलियां ब्याह कर लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे। क्या क्या कहा दोबारा बताना है। एक पक्षी ऐसा है जो बिना पंख का है। अच्छा। और एक ऐसी चीज है हाँ? कि बिना मौत के भी काल है। अच्छा। एक जोहड़ पानी का सरोवर ऐसा के बिना पानी का है हाँ। एक पेड़ ऐसा है पानी है उसमें पानी है दिखाई नहीं देता दिखाई नहीं देता ठीक। एक पेड़ ऐसा है उसका डाल कौन है। अच्छा। डाल नहीं फूल नहीं पत्ते नहीं और फल लगे हैं। और फल भी कुड़ाले लगे हैं। अच्छा। और उसके गले ब्याह कर लू जो इन सवाल के जवाब दे। तो सुन ले बात बताओ हाँ। कैसे? अरे अरे उसकी गलियां ब्याह कर लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे। उसकी गलियां ब्याह कर लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे। हाँ जीव पखेरू बिना पंख का डट जा भाई हाँ भाई ये पंख बिना पंख का पखेरू बैठे ये सारे के सारे ये तो मानस है एक हाँ यही तो पखेरू हैं। क्यों कर है इनमें से थोड़ी सी एक हवा निकल जाती है एक पवन एक हवा हवा तले के लिकड़े है तले के नहीं यहाँ से निकले है मैंने सोची पाद मारे है ना ना यहाँ से निकल जाती है और इनका पंख पखेरू उड़ जाता ओहो प्राण पखेरू प्राण पखेरू मानेगी भाई ये वे पखेरू हैं लेगा फेरे तू तो प्राण रूपी जो हवा है वो निकल जाती आगे के सवाल और केड़े है हाँ भी दूंगा। जीव पखेरू बिना पंख का जीव पखेरू बिना पंख का नींद मौत बिन काल बता दो। जब आदमी सो जाता है हाँ। बिना काल के नींद समझो मरे हुए समान मरे हुए समझो नींद को मृत्यु की बहन बताया गया बिल्कुल बिल्कुल। जीव पखेरू बिना पंख का नींद मौत बिन काल बता दो। आंख सरोवर बिना नीर का धर्म वृक्ष बिन डाल बता दो। ये जो धर्म का पेड़ लगाया जाता है दान हाँ। किया जाता है पुण्य किया जाता है ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी डाली तो नहीं है फूल पत्ते भी दिखाई नहीं देते हाँ। लेकिन इस पे ऐसा फल लगता है कि अगले जन्म तक काम आता है। अच्छा ये ऐसा पेड़ है मान गई सुन ले। जीव पखेरू बिना पंख का नींद मौत बिन काल बता दू। आंख सरोवर बिना नीर का धर्म वृक्ष बिन डाल बता दू। ब्याह करवाया ना करवा मैं पूरे तेरे सवाल बता दू। ब्याह करवा चाहे ना करवा मैं पूरे तेरे सवाल बता दू। तो भाई ला यह बात ना बताई जाएगी आगे आवेगी कोई बता कौन जगत में एक से ये फंस गया कौन जगत में एक से बता कौन जगत में दो। यही है घनी कैडी हाँ। अगर मेरी बात में जान हो तो ताली बजाइयो किसी ने कहा कि कौन जगत में एक और कौन से दो दो हाँ। यो राम जगत में एक है के? ये राम जो है भगवान ब्रह्म हाँ। परम ब्रह्म हाँ। केवल अकेला वो ही है ये तो गणे है 33 कोटि है ना ना वो जो परम अक्षर है वो एक ही है 33 कोटि भी उसी के बनाए हुए हैं ठीक है ओम ओम हाँ हाँ राम जगत में एक है रे राम जगत में एक है चांद और सूरज दो बोलिए मेरे तन
सिरप रु 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 ला 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 शेर में सवा शेर फेट गया बिल्कुल। सारे सवालों का जवाब वो दे दिया जिनको मैं भी नहीं जानती। अच्छा हाँ, तो आधी आधे तो तेरे सवाल आगे होंगे। आगे तो आधी बहु होगी। आधी का केक आटेगा, पूरी ले लेना। पूरी ले, पहले आधी की तो हाँ कर। ना ना, आधी नहीं। अच्छा, आधे में तो आधी। फिर अगले सवाल ना दिए गए तो मैं तो ना कुंवारी ना ब्याही खराब हो जानी। मतलब अच्छा, पूरे सवाल होंगे जब भी पूरी बनेगी जी मोड बंधन दूंगी। अच्छा हाँ, आ जा तुम मैदान बता दे। अरे किसने मांगा बेटे रे, किसने मांगा रोज परसना, किसने मांगी करडी धूप, किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूप, किसने मांगी रात चांदनी, बता कौन छुपाना चाहवे रूप, किसने मांगी रात चांदनी, कौन छुपाना चाहवे रूप। थोड़ा सा खुलासा करें इन प्रश्नों का। समाज में कितनी बिरादरी है? 36। हाँ, 36 बिरादरी में एक जाति ऐसी है जो रोज नुके परमात्मा बारिश होती रहे। अच्छा, रुके ही ना, जाड़ों में वीर, गर्मियों में वीर, सब। हाँ, वही एक बिरादरी ऐसी है रोज नुके बारिश ना हो जाए ना मारा तो उठ मटीला हो जाएगा। अच्छा, धूप तावड़ा लिखड़ा रहे, धूप लिखड़ी रहे। हाँ, कौन सेवे और न्यू बता, कैसा दुनिया में राजा अच्छा है, कैसी नगरी अच्छी है, और समाज में कौन ऐसे है जो रात की चांदनी में मद मस्त हो जाते हैं। अच्छा, और एक माने सिसा है वो न्यू सोचा कदे तेरा कोई मुंह देख ले, तेरा ये रूप छिपा भी आ रहे है, बता कौन से। उसे अंधेरी रात चाहिए। हाँ, उसे अंधेरी रात। हाँ, माली मंगे रोज परसना, माली मंगे रोज परसना, धोबी मंगे करडी धूप, सतपुरुषों की नगरी अच्छी, परजा पालक अच्छा भूप, सज्जन मंगे रात चांदनी, पर चोर छिपाना। सज्जन नहीं। अच्छा, कौन है? आशिक। हाँ, एक आशिक रात की चांदनी में अपनी महबूबा के साथ मदमस्त हो जाता है। अच्छा, वो चाहता है कि ये पल यही रुक जाए। ठीक है, आशिक मांगे। अब शुरू से ले। हाँ, माली मांगे रोज परसना, धोबी मांगे करड़ी धूप, सतपुरुषों की नगरी अच्छी, परजा पालक अच्छा भूप, आशिक मांगे रात चांदनी, चोर छिपाना चाहवे रूप, आशिक मांगे रात चांदनी, चोर छिपाना चाहवे रूप। अरे कौन करते दान जगत में, कणके भरे रहे भंडार, कौन उठे कष्ट जगत में, धर्मराज के विला के हमार, तेरा मेरा ब्याह हो जाते राजी हो जा, तेरा मेरा ब्याह हो जाते राजी हो जा करता रे। तेरा मेरा पहला प्रश्न क्या था? कौन करते दान जगत में? दुनिया में हाँ, कमाना तो सब जानते हैं, लेकिन जो खर्च करना जानता है हाँ, शास्त्रों में बताया है जो खर्च करना जानता है हाँ, ये लक्ष्मी या कुबेर उसके गुलाम हो जाते हैं। लेकिन खर्च भी हाँ, बड़े भाग उसके जिसकी अच्छी जगह कमाई लगे। ठीक ठीक,
कौन है वे? वो बता दूंगा। किनके भंडार भरे रहे? अच्छा। और एक जीव ऐसा है, एक मानस इस प्रकार का है कि वो दुनिया में यहाँ कुकृत्य कुकर्म करता है, यहाँ भी बुराई और मरे पाचा धर्मराज के भी को जूते लागे है। अच्छा, जे इन बात का जवाब दे तो सुन दे, तो राम भी राजी और मैं भी राजी। हाँ। और फिर आजा सा जी। ठीक है, आजा। तो है किसने, अरे वही कौन उठता कष्ट जगत में, किसके जाके लागे हमारे कौन उठे कष्ट जगत में, धर्म राज के लागे मारे। हाँ, दानी करते दान जगत में। हाँ। दानी करते दान जगत में, धन के भर रहे भंडारे, रंडियों कष्ट जगत में। हाँ। धर्मराज घर पड़ती मारे, तेरा मेरा मेरा तेरा, वो लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते राजी हो जा वो करता, अरे लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते राजी हो जा राम कुमार। आखिरी सवाल है। अच्छा, जे इसका जवाब दे दिया तो पक्का है, ब्याह भी पक्का, ठीक, हनीमून भी पक्का, ठीक, और तेरी शुए साल भर में बालक दे दूंगी। चल ठीक है, यो जवाब दे आखिरी दे। अरे कौन जगत में, अरे कौन जगत में जाग रहा, कौन जगत में जाग रहा, अरे कौन रहा पड़ सो, भला पाप जगत में जाग रहा। क्या बताया? पाप जगत में जाग रहा और धर्म रहा पढ़ सो, बोलिए रे मुसा मेरे तन में सिलक। इब सुन ले पक्की बात। हाँ। ब्याह हो गया, ले मिला, कदे छोड़ के चला जा, ना 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 ना, देख लिए बिल्कुल लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके जिए तो जिए कैसे, ओए होए होए, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, ओए होए होए, बिन आपके। ऐसी एक और लेके आ जा, सुनोगे कदम हंगा लगवा रहे हो? बाद में सुनेंगे। हाँ, आइए आप ही लोगे गुरु जी, लियो जी। गुरु चेले की रागनी आपने सुनी, अब एक मेरा चेला और मैं दूसरे गुरु चेले बन गए। अब तक चेला था, अब गुरु बनकर सुना रहा हूं। ब्रजेश साजा, पंडित लक्ष्मी चंद्र मांगे राम गुरु चेले हुए, गुरु गुडर चेला चिन्नी। एक गांव में सांग हो रहा, ऐसी रागनी गाई मांगे राम ने कि सारी पब्लिक ने वाह वाह कर दी। दूसरी रागनी ठाई, उसमें गलती कर गया और पीछे था गुरु जी ने बैत की खो दड़ा दी। ओ मांगे, सही गा गलत मत गा, बोला ठीक से गुरु जी। तीसरी रागनी ठाई, वह भी गलती कर गया, बोला शुद्ध गा। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि मांगे राम ने कहा कि गुरु जी आज सांग आड़ा खत्म कर दो, क्यों? आपने दो बार मेरी गलती देख ली, इब ते मैं आपके पास रह के कुछ सीख के उसके बाद ही कुछ गाऊंगा। एक महीने तक स्टेज पे किसी चौक पे जाकर मांगे नहीं चढ़ा, और एक महीने के बाद जब आया तो बुजुर्ग बताते हैं कि मांगे राम अपनी खुद की बनाई रागनी लाया, और बुजुर्ग जो असली श्रोता वे न्यू कहे लक्ष्मी तो लक्ष्मी से, पर मांगे तो मांगे है। ऐसी रागनी बढ़िया बढ़िया बना के लाया, गांव में सांग हो रहा। एक बुड्ढा खड़ा होकर बोला, भाई गुरु चेला तुम दोनों को इसी बात सुना दो जो आज सुननिया के आए हो जा। यह मांगे राम अपने गुरु से सवाल करते हैं और वे जवाब दिए वही सत्संग वाले मोटे मोटे बोल। सुनना, हिंदू और सनातन धर्म की रागनी है ये, सवाल और जवाब दावा करता हूं आपको अच्छे लगेंगे। एक बार जोरदार आशीर्वाद दो, सुबह का टाइम है, ये ब्रह्म ज्ञान की रागनी सुनिए। आइए बेटा।
हाय गुरु जी। और महेंद्रगढ़ खैरोली गांव से मेरे बड़े अजीज है, बड़े भाई है, भाई राम किशन गुजर जी, सिटी एम चंडीगढ़, और साथ में अपने नारनौल में कई साल इंस्पेक्टर रहे, फिर कनीना डीएसपी रहे, बड़े भाई साधुराम बिश्नोई जी, वो ऑनलाइन देख रहे, एक बार हाथ लाके आप भी राम राम ले लो भाई, जोरदार। दोनों भाई गोवा के अंदर बैठे हैं, मुझे बुला रहे हैं, अभी दो प्रोग्राम करके फिर आऊंगा भाई साहब, तब तक रागनी सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद साधुराम जी का, मजिस्ट्रेट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, डीएसपी साहब का धन्यवाद। हाय गुरु जी, ओ बेटे, ऐसा ज्ञान ओ सिखा दे, छोरे कोई गावणिया ही गा दे। हाय गुरु जी, ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावणिया ही गा दे। भाई बे माता की मात बता दे, अरे बे माता की मात बता दे, अरे बे माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा औरा की, वह अष्टभुजी किसकी पुत्री, जिन करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम है बता, जिने करी सवारी मोरा की, उस साधु का नाम है बता, जिने करी सवारी मोरा की। बे माता की मात गायत्री, बे माता कौन, जब बच्चा जन्म लेता है तो छठी की रात मनाते, उसका भाग लिखने आते, बोलो बे माता की जय। बे माता की मात गायत्री, अनुसुईया सास गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करने बे औरा की, अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, करे सहायता चोरा की, बालकनाथ कार्तिके गणेश का भाई, कार्तिके एक ऐसा साधु जो करे सवारी मोरा की, कार्तिक एक ऐसा साधु करे सवारी मोरा की। हाय गुरु जी, पानी में आग लगा दे, कोई बावणिया ही गा दे, गुरु जी ऐसा जा बना बिचोला, अरे बाप के ब्याह में बना बिचोला, वो लड़का बाप के ब्याह में बना बिचोला, कमाल कर दिया। हाँ तू गया कभी अपने बाप के ब्याह में? ना। फिर कौन जा सके? पर इतिहास में जा ही रहे बात, ये बात भी सुनना, बताइए। अरे बाप के ब्याह में बना बिचोला, वो लड़का कितने आया, कर राक्षस कभी से देवता, कौन से युग जी मने आया, उड़े अनधन के भंडार भरे, वाचिका नहीं भूखा ठाया, फिर ले कितनी बारिश होगी, पीवन ने ना जल पाया, फिर ले कितनी बारिश होगी, पीवन ने ना जल पाया। बाप के ब्याह में विषम बिचोला, विषम बिचोला अपने पिता शांतनु को सत्यवती माता को ब्याह के लाया था, बिल्कुल बिल्कुल। बाप के ब्याह में विषम बिचोला, देवलोक से चल आया, कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जिमने आया, उड़े अन्न देवता की हार हुई, ओछ क्या नहीं भूखा ठाया,
भाई परले कितनी बारिश होगी, जल्दी मरता फिरे तिसाया। परले कितनी बारिश होगी, और पीवन ने न जले थाया। आए गुरु जी बेले धराम की लिया दे गए बावणिया ही गा दे। गुरु जी ऐसा जा भाई, उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा। मात पिता न संके साथी, बे माता ने नहीं घड़ा। मात पिता न संके साथी, रे बे माता ने नहीं घड़ा। उन जन्म होवते ही करी लड़ाई, सन्मुख न कोई हुआ खड़ा। जे जयकार हुई किस युग में, देवलोक में जिकर छिड़ा। जे जयकार हुई, ये सवाल सीमा पुराण का है। पार्वती माता को स्नान करने का मन हुआ। हाँ, कोई नहीं था वहाँ। अच्छा, उस गुफा के अंदर अंदर झरना था पानी का। बिल्कुल, मन में सोचा तू नहाने जाएगी, कोई आ जाएगा। हाँ, अपने शरीर के उपटन से लेकर पीली मिट्टी को लेकर एक पुतला तैयार करा। हाँ, उसमें प्राण फूके, उस पुतले का नाम था गणेश। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। उस लड़के का नाम है गणेश, जो ना माता के पेट पड़ा। गोरा मान करी घड़ाई, वो तभे माता ने नहीं घड़ा। जन्म उमते ही करी लड़ाई, सन्मुख न कोई हुआ खड़ा। शिव सेना उन्हें शिव की सेना हरा दई, न्यू देव लोक में जिक्र छड़ा। शिव की सेना हरा दई, न्यू देव लोक में जिक्र छड़ा। हे गुरु जी छे चारी कभे भी बता दे कोई कावणिया ही गा दे। हे गुरु जी ऐसा जा अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। कोई जवान पड़ी जरूरत, पति मोते ना ब्याह करे वाया। उस लड़की का नाम बता जिने एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सर तरे वाया। पति की सेवा, राजस्थान के मांडोर में सप्तऋषियों ने एक यज्ञ किया। 33 कोटि देवताओं को बुलाया, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को नहीं बुलाया। शुक्राचार्य ने एक बाज का रूप धार के एक जहरीला सांप पंजों में पकड़ा, और जो खीर का प्रसाद बना था, खीर के प्रसाद में उस सांप गिर दिया। खीर जहरीली कर दी। एक छोटा सा जीव जो थी मेंढकी, मेंढकी देखी छोटी सी, मेंढकी ने सोची सप्तऋषि तो मरेंगे, जहरीली होगी खीर। जब प्रसाद लेने आए, गरम खोलती उबलती खीर में छलांग लगा के अपने प्राण त्याग दी। ऋषियों ने सोचा प्रसाद खराब हो गया, एक गड्ढे में इसका विसर्जन कर दो। मेंढकी के शरीर के साथ वो सांप का शरीर निकला, सारी कहानी समझे। सप्तऋषियों ने संजीवनी मंत्र पढ़ के मेंढकी के प्राण वापस करे, लेकिन वो खोल वो शरीर खराब हो गया था। सजनों, एक मटके में रख के कृत्रिम निषेचन क्रिया कराई, जमीन में मटका गाड़ दिया। 9 महीने के बाद जो वो लिकाड़ा मटका, तो मेंढकी की जगह एक लड़की निकलती है मटके में से। उस लड़की का पालन पोषण करा। लंका का राजा रावण सप्तऋषियों के पास शिक्षा लेने आया करता था। रावण की गंदी नजर उस लड़की पर पड़ी, दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ। लेख बताते हो लड़की गर्भवती हो जाती है। ऋषियों ने जबरदस्ती रावण के साथ उस लड़की की शादी कर दी कि लेके जा इसको। अपने पुष्पक विमान में लेके जा रहा था, बीच में किष्किंधा पर्वत आया जो कर्नाटक में है।
रावण सोचता है कि इस आशाबंद गर्भवती लड़की को लेकर जाएगा तो लोग न्यू कहेंगे वरना किसका पाप ठालाया। दहाड़ मार के जोर के हंसने लगा, इतनी जोर की दहाड़ थी रावण की, उस लड़की का गर्भ पांचवें छठे महीने का था, किष्किंधा पर्वत पे गिर गया। किष्किंधा पर्वत में बाली सुग्रीव दो वानर ये राज करते थे। बाली की पत्नी तारा को वो गर्भ मिला, उस बच्चे का पालन पोषण करा। वो बच्चा कौन था जो एक पल में हो गया, और ये लड़की कौन थी ये भेद की बात सुनो दोबारा बताइए। अपनी इच्छा पे प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, उई जवान पड़ी जरूरत पति मोते ना ब्याह करे वाया। उस लड़की का नाम बता जिने एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लाग गी पुत्र का सर तरवाया। अरे एक मिनट की ने प्राण त्याग दिए उसका कारज सिद्ध हो गया, उसका कारज सिद्ध हो गया। हुई जवान मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंसे मुंह में रावण मद हो गया। वा जबरन ठाई फिर दहाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया, एक पल में अंगद हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी कटा शीश पुत्र का वध हो गया, रण क्षेत्र में नाटी थी कटा शीश पुत्र का वध हो गया।